हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। ओप्स, आई एम रियली सॉरी, माय फोन इज रिंगिंग। हेलो। हाँ हेलो, बोल भाई, बोल एलेक्स। कैसे हो भाईजान? बस चल रहा है, तेरा क्या खबर? हाउ आर यू? बस हम तो ठीक है भाई, तुम्हारी दुआ यार। और बताओ कहाँ हो? मेरी क्या दुआ, मैं तो घर में हूँ भाई। गेम कैसा चल रहा है? दिख नहीं रहा गेम में, दिख रहा यार? यार गेम में नहीं, एक्चुअली वैसा कुछ बात नहीं है। गेम में आता रहता हूँ, तू कभी कभी आता रहता हूँ। मैं वो नहीं खेल रहा ज्यादा, सीओडीएम नहीं खेल रहा। मैं पैक चल रहा था। क्या? मैं सीओडीएम ज्यादा नहीं खेल रहा, मैं पैक चल रहा था। अभी एपिक ज्यादा खेल रहा है? हाँ एपिक ज्यादा खेल रहा हूँ, बहुत अच्छा गेम है यार। क्या यार, क्या है यार एपिक्स में ये सब? मुझे यार इतना बढ़िया गेम है साले, इतना फास्ट पेस गेम है वो, पहला फ्यूचरिस्टिक गेम है। व्हाट द फक, फ्यूचरिस्टिक? हां फुल्ली फ्यूचरिस्टिक गेम है। फ्यूचरिस्टिक गेम फ्यूचर में अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज्यादा ओपी गेम है यार। एक तो फास्ट पेस है, कॉल ऑफ ड्यूटी से भी ज्यादा फास्ट है ये देखो, और एडवांस भी काफी है, काफी स्पेशल एबिलिटीज है। जैसे कि करेक्टर के पास स्पेशल एबिलिटी है तीन, क्या हर करेक्टर के पास तीन स्पेशल एबिलिटी है। जैसे अपने सीओडीएम में होता है ना, एक स्पेशल एबिलिटी लेके जा सकते हैं हम, ये होता है। अच्छा? लेकिन उसमें करेक्टर के पास होती है अपनी एक स्पेशल एबिलिटी, समझा? जैसे कि मैं तेरे को समझाता हूँ। अभी नया करेक्टर आया जो मोबाइल के लिए ही बना है, बस पीसी में नहीं है वो। भागो, भागो, पीछे उसका नाम है फेड। वो क्या करता है, फेड नाम है उसका। फेड, अच्छा। हाँ तो वो क्या है, पहली एबिलिटी है जब वो स्लाइड मारेगा ना, स्लाइड मारने वाले तो बूस्टर ऑन हो जाएंगे पीछे के, और ज्यादा तेज भागेगा। वो बूस्टर ऑन हो जाएंगे पीछे, जो बूस्टर लगे ना उसके। अच्छा अच्छा, हाँ और ज्यादा तेज भागने लगेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और सेकेंड एबिलिटी है वो वक्त में पीछे आ सकता है, जैसे कि अपना वो है ना सीओडीएम में वो रिवाइंडर, मारो मारो। हाँ उसको, जैसे कि तुम्हारी गन दोनों रिलोड पे चली गई, तुमने रिवाइंडर दबाया, तुम वक्त में पीछे चले गए, तुम्हारी गन भी रिलोड हो जाएगी दोनों। ये सेकंड एबिलिटी है। थर्ड एबिलिटी है उसकी, थर्ड यार मैं याद नहीं। हाँ वो एक क्यूब बना सकता है, वो क्यूब में बंदे चले जाएंगे, मतलब गायब हो जाएंगे, उनकी स्पीड इतनी स्लो हो जाएगी, फाइटिंग ले पाएंगे बिल्कुल भी। ये थर्ड एबिलिटी थी। ये क्या है? मैं जिससे खेलता हूँ ना वो है ऑक्टन। ऑक्टन समझ गया यार। बस जैसा ही है और फीचर रास्ते के पास बहुत मजा आता है। तू भी डाउनलोड कर यार, डाउनलोड कर खेल यार, तू भी एक्सपीरियंस कर। मैं भी सोच रहा था यार, तभी मुझे, मैं मतलब यार बहुत लोगों ने मुझे यार, मैं जितने भी सारे टीम के साथ खेलता हूँ, जैसे बांग्लादेश टीम हो गया, जैसे दूसरे सारे तो टीम हो गए ना, आपने सारी जगह मुझे यही नाम सुनाई दे रहा है। खेले ना हम लोग, एक जीते और एक हारे। मैं चार खेला हूँ मैं, उतना तुम्हारे साथ मैं दो खेला। मैप्स के बस की नहीं है। हाँ एपेक्स खेलना, मैं और तुम दो खेले, एक जीते एक हारे, अरे कहाँ यार, मैं हूँ क्या? हाँ हाँ जल्दी बता क्या करो यार, कभी कभी गलती से हर मैच खेला यार, मेरे को यार काफी इजी लगा। क्या बिहार? तो बिहार इजी है भाई यार, लेकिन बिहार में मैंने गाड़ी नहीं देखी। तुम छोड़ो ना, तुम्हें क्या मतलब है? तुमने आज तक पता नहीं गेम क्या होती है। मैंने एपिक को भी लीडवाना लॉन्च कर दिया है यार। अगर तुमने गेम की स्पेलिंग बता दी तो हम मान जाएंगे तुम्हें। पहले एपिक्स का मतलब बता, गेम की स्पेलिंग क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिक्स? गेम की स्पेलिंग देखो यार, ब्लेड भाई मैं उससे क्या पूछ रहा, गेम की स्पेलिंग क्या, और वो पूछ रहा कौन सी बता यार, इतना भाई इतना फिर के मत ले, बच्चा रो देगा यार।
गेम भी बहुत अच्छा है यार, ऐसा नहीं है कि गेम बेकार है जैसे पबजी है, फ्री फायर, इससे तो बहुत लाख गुना बेटर है। समझ गया भाई, मेरे भाई समझ गया। तूने अपलोड किया, अपडेट किया अभी जो आया सीजन, नया सीजन कॉल ऑफ ड्यूटी में? नहीं किया। नहीं अपडेट अभी नहीं किया यार, अभी करूंगा, रात को करूंगा, क्योंकि मेरा वाईफाई पता नहीं क्या हुआ है, दिक्कत हो रही है। दो बार मैंने डाउनलोड करा पूरा, वो फिर कैंसिल हो गया, मैंने करा हुआ। ठीक है तू खेल और मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। नहीं तुझे डाउनलोड करना है भाई, डाउनलोड तुझे करना है और मेरे साथ खेलना है, एक्सपीरियंस करना उसको, एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो कर ले। एक्सपीरियंस करेगा तो तुझे समझ में आएगा, हाँ जी गेम मैकेनिकल समझ में आएगा उसका, सब कुछ समझ में आएगा। जब आएगा तो हमारा थोड़ा खेलना है, तू समझ जाओ गेम को। जैसे अपना सीओडी है, कॉम्प्लिकेटेड गेम है थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसी में मजा आता है। सिंपल गेम तो बहुत सारे हैं, जैसे कि पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, तो सिंपल गेम है, तुमको समझना कोई मुश्किल थोड़ी है। तो भाई कॉम्प्लिकेटेड गेम खेलो, जैसे कि अफेक्ट हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, अब वॉरजोन आएगा, फिर उसके बाद वो आएगा वैलोरेंट आएगा, बहुत सारे गेम है यार, सबको ट्राई करना चाहिए हम लोग। क्यों भाई? समझ गया। हर गेम को एक चांस देना चाहिए हम लोगों को, है नहीं? चांस देने के लिए हम लोग ही पड़े हुए हैं ना, क्योंकि भाई ऐसा है, कंपनी यार करोड़ों रुपए लगाती है उस गेम को बनाने के लिए यार, हम उसको एक ही घटिया बोल लेते हैं, ऐसा कुछ बोल लेते हैं, है नहीं? काफी घटिया, किसी गेम को घटिया नहीं बोला। नहीं, एक बात बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो गेम को बिना खेल एक्सपीरियंस करे घटिया बोल लेते हैं, समझ रहा है? एक्सपीरियंस करो, जैसे कि अपना कॉल ऑफ ड्यूटी है, लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं करा इंडिया में, एक्सपीरियंस करे तो समझ में आता लोगों का, हाँ जी ये गेम कैसा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है लेकिन गेम अच्छा है अदर गेम से। और बता, बस नहीं बताना है, ठीक है? तू बस, मुझे मेरी कोई खबर नहीं, बस तू अच्छा एक काम करता, बाद में बात करता हूँ यार, बाद में बात करता हूँ। चल बाय बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, सॉरी, बाय, बाद में मिलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे बॉट है भाई, तूने देखा नहीं क्या आजकल बॉट भी लगे? फाइनली ये कन्वर्सेशन एंड हुआ। एपेक्स लेजेंड, जहाँ भी जा रहा हूँ यही नाम हर जगह सुनाई दे रहा है, और इसे सुनने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अबे साले कौन है बे तू? पता नहीं इस घनचक्कर गेम में क्या रखा है यार। दुनिया की जो बड़े बड़े गेमर्स हैं, उनमें से कुछ गेमर ने भी इस गेम को खेलना स्टार्ट कर दिया है, और वैसे भी मेरे कुछ प्यारे मित्रों ने भी इस गेम को खेलना चालू कर दिया है। तो पहन लीजिए अपना फिंगर स्लीव्स और बांध लीजिए अपनी कुर्सी की पेटी, और चलिए कूद पड़ते इस एपेक्स लेजेंड की रेस में। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ने लगे हैं। वेरी फनी। ये मुझे कहीं दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन इसके साउंड ना जाने कहां से आ रही है। ये देखो फ्रेंड्स, ये अपने आप को जूनियर स्टार्क समझता है, लेकिन इसको ये भी नहीं पता है दैट आई एम अ वर्चुअल पार्टनर डेजी, लाइक सीनियर स्टार्क हैज फ्राइडे। तुम आज ही रिटायरमेंट ले लो बुद्धूराम। यार बुरा तो लगता है जब आपकी कोई इस तरह से इंसल्ट करता है, लेकिन क्या किया जाए, अब है तो अपनी ही है ना। तो चलिए सारे इंसल्ट का जवाब देखते हैं क्या होता है, कैसे दे पाते हैं हम इसे।